गुजर किसकी बदौलत यहां पर आए, किसकी बदौलत यहां आकर एक दूसरे से मिलने का काम किया, राष्ट्रीय मंच का विकास हुआ, आज सारे लोग एक दूसरे को जान पहचान हुई, गुजरात से राजस्थान की, राजस्थान से हरियाणा की, हरियाणा से दिल्ली की, दिल्ली से बिहार की, कलकत्ता की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक से जो लोगों को गोरी समाज से मिलाने का काम किया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। ऐसा प्रगतिशील नेता हमारे बीच में हो जो सबको बांध साथ में बांध कर चलने वाला हो, सबको दिमाग अपने छोटे भाई की तरह मानने वाला हो, उस समाज का कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और बहुत जल्दी ये समाज बहुत आगे जाने वाला है। मैं इसकी आशा करता हूं कि माननीय मंत्री साहब सर समाज को पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही लोगों से बांधे रहे और अपना प्रेम बढ़ाए रहे और समय समय पर ऐसी मीटिंगों का आयोजन करके लोगों का हौसला मजबूत करे, क्योंकि आज यहां पर पधारे हुए हमारे सारे जो समाज बंधु हैं वो ऐसे प्रबुद्ध जन लोग हैं जो अपने प्रदेश से छटकर आए हुए लोग हैं। किन परिस्थितियों में, किस स्थितियों में वो यहां आए हैं, क्या उनके चेहरे हैं, क्या उनकी मेहनत है यहां तक आने की, क्या उन्होंने संघर्ष कराया है, यहां आने वाला प्रत्येक चेहरा भारत सरकार के अंदर अपना कुछ ना कुछ वर्चस्व रखता है, यहां आने वाला प्रत्येक चेहरा आने वाले समय का एक नया उजियाला है। अतः भारत सरकार ने माननीय भगवती प्रसाद सागर जी जो पहले भी तीन बार मंत्री रह चुके, आज योगी सरकार के अंदर सिर्फ एमएलए का पद लेकर बैठे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा योगी सरकार से जो तीन बार मंत्री रह चुके हैं उनको योगी सरकार ने लेकर के शुरू करिए और हमारे भगवती सरकार सारी बात को एक बड़े पद पर ना लेकर समाज में, हमारे समाज में कुछ कमी रखिए। अतः योगी सरकार से चाहूंगा जो तीन बार हमारे भगवती सरकार जी महाराज तीन बार मंत्री रह चुके उनको आगे अपनी सरकार से ऐसा पद लेकर सम्मानित करने का कोशिश करें, ऐसा हमारा पूरा समाज चाहता है। और इस रूप को पूरा कर हमारे समाज का गौरव पाने की कृपा करें माननीय योगी सरकार। अतः आज जो हमारे पूरे भारत के अंदर दलित वर्ग के अंदर जो शोषण की घटनाएं हो रही है, हमारे लोगों को जिस मानसिकता से जोड़कर कठपुतली की तरह रखा जा रहा है उसमें सुधारकर हमारे समाज में संतोष प्राप्त करने का कष्ट है, क्योंकि आने वाला भविष्य है इस देश का वह नहीं है, ये पिछड़ा समाज है जिसने आज तक जो दुख उठाए हैं और पिछड़ापन झेला है इसको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक जो आक्रोश व्याप्त है उसको शांत करने की